मौला हम सबको आफियत वाली जिंदगी अता फरमा, मौला इस बिहार की जनता को आपस में मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। मौलाए करीम या रब्बी करीम तो अपने फजल करम से अपने पाक कलाम के बरकत से मौलाए करीम जनाब लालू प्रसाद साहब की जिंदगी में बरकत अता फरमा। आज हमने अपने आवास पर अपने आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, जो गरीबों के, दलितों के, शोषितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के जो मसीहा हैं, आज उनके लिए हम लोगों ने दुआ करवाई। आज सब लोग जानते हैं कि आज सिंगापुर में उनका किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है, एक ऑपरेशन है, तो उनके लिए भी और जो किडनी दे रही हैं उनकी सुपुत्री रोहिणी जी के लिए भी हम सब लोगों ने आज हाथ उठाकर दुआ मांगी। और हमने दुआ मांगा कि लालू जी का जो ऑपरेशन है वो अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आए और जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर हम सबके बीच आए। आप और अपने क्षेत्र की जनता और समस्त भारतवासी से कुछ अपील करना चाहेंगे? हमें मालूम है कि आज लाखों नहीं करोड़ों हाथ उठे हुए हैं, लोग दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अपने चहेते बिहार के सबसे चहेते पॉपुलर मास लीडर लालू जी उनके लिए आज लाखों करोड़ों लोग आज दुआ कर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र में भी कई जगह हमने कहा है, मस्जिदों में, मदरसों में, सब जगह दुआ हो रही है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द लालू जी स्वस्थ होकर ये किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा और वो स्वस्थ होकर हमारे बीच जल्द से जल्द लौटेंगे। Thank you.